हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ओट्स खिचड़ी रेसिपी, जो कि प्रोटीन, फाइबर, आयरन, पोटेशियम और कैल्शियम से भरा हुआ है। यह आपको जल्दी वेट लॉस करने में मदद करेगा और इसके साथ कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर को भी कंट्रोल करने में मदद करेगा। आप इसके साथ मेरा ओट्स डाइट प्लान फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गैस पे एक पैन चढ़ा दें और 1.5 कप ओट्स को ड्राई रोस्ट करें। ओट्स हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ये बहुत सारे बीमारी से भी हमें बचाता है, तो आप कोशिश करें कि रेगुलर डाइट में ओट्स ऐड करें। ये देखिए, मैंने ओट्स को ड्राई रोस्ट कर लिया। अभी गैस पे एक दूसरा पैन चढ़ा दें और इसमें 1.5 चम्मच कोकोनट ऑयल डालें। तेल को अच्छे से गर्म करें। तेल गर्म होने पर 1 बारीक कटा हुआ प्याज और 2-3 चॉप किया हुआ लहसुन की कलियाँ डालें। इसको अभी 1 से 1.5 मिनट फ्राई करें। ये देखिए, अभी प्याज हल्का फ्राई हो गया। इस टाइम पे चॉप किया हुआ गाजर और बीन्स डालें और इसको मिला दें एक बार। इसके साथ 1/2 छोटी चम्मच नमक और 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालें। मिला दें इसको अच्छे से। गैस का फ्लेम मीडियम रखें और इसे मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट पकाएं। ये देखिए, 5 मिनट बाद ये सब्ज़ी थोड़ा सॉफ्ट हो गया। अब इसमें 1 से 1.5 चम्मच अदरक का पेस्ट डालें। मिला दें इसको अच्छे से। गैस का फ्लेम मीडियम रखें और इसे और 2-3 मिनट फ्राई करें, ताकि जो अदरक का रॉ स्मेल है वो चला जाए। ये देखिए, ये अभी फ्राई हो चुका है। अब इसमें चॉप किया हुआ रेड बेल पेपर और कैप्सिकम डालें। अगर आपके पास रेड बेल पेपर अवेलेबल ना हो तो इसे स्किप करें। आप इसमें और भी सारे वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, जैसे ब्रोकली, कैबेज, कॉलीफ्लावर, और इसके साथ 2 चॉप किया हुआ ग्रीन चिली और 1 चॉप किया हुआ टमाटर डाल दें। मिला दें इसको अच्छे से। हमें इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है। अब 1 चम्मच जीरा पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर डालें। ये डिश बहुत ही टेस्टी बनता है। जो लोग ओट्स पसंद नहीं करते हैं, वो इसे एक बार घर पे ज़रूर बना के देखिए, ये आपका फेवरेट डिश बन जाएगा। तो चलिए, ये देखिए सब्जी अभी अच्छे से पक गया। अभी रोस्ट किया हुआ ओट्स डाल दें। मिला दें इसको अच्छे से। मैंने यहाँ पे 250 ग्राम तूर दाल यूज़ किया, यानी कि अरहर दाल। आप यहाँ पे चना दाल भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने दाल को 1 सीटी लगा लिया, थोड़ा सा नमक और हल्दी पाउडर डाल के। ये देखिए, अब इसको मिला दें और यहाँ पे 1 कप के जैसा पानी ऐड करें। ओट्स पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसीलिए गैस का फ्लेम मीडियम रखें और इसे 1 से 2 मिनट तक पकाएं। इसे अभी 2 मिनट के लिए पकने दें और दूसरे गैस पे एक पैन चढ़ा दें। इसमें 1 चम्मच देसी घी डालें। आप सोच रहे हो वेट लॉस करना है और देसी घी के साथ? हाँ, जब आप डाइट कर रहे हो तो आपके शरीर में गुड फैट्स का भी ज़रूरत होता है, और देसी घी में गुड फैट्स होता है। अब इसमें 1 सूखी लाल मिर्च, 1 तेज़पत्ता और 1/2 छोटी चम्मच जीरा डालें। इसे 15 सेकेंड फ्राई करें। ये देखिए, ये खिचड़ी भी अभी पक चुका है। अब ये फ्राई किया हुआ मसाला इसमें डाल दें। मिला दें इसको एक बार अच्छे से और चॉप किया हुआ धनिया पत्ता डाल दें। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है तो ना डालें। गैस का फ्लेम ऑफ कर दें और इसे ढक के 2 से 3 मिनट ऐसे रखें। और ये रहा हमारा ओट्स का खिचड़ी बनके तैयार। अब मैं इसे एक बड़ा कंटेनर में स्टोर कर रही हूँ। इसे आप 3 दिन तक ले सकते हैं। एक बार में 200 से 300 ग्राम लेना है। उसके बाद आप इसे फ्रिज में स्टोर करें, फिर दूसरा दिन गर्म करें और 200 से 300 ग्राम लें। ऐसे करके आप 3 दिन तक इसे स्टोर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। फिर मिलते हैं एक नए डाइट और नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हेल्दी खाएं और स्वस्थ रहें।